ये कहानी दरियाए झेलम के एक किनारे पर जन्म लेती है। वो दरियाए झेलम जो हिंदुस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान में बह निकलता है, जिसके नीले ठंडे पानी में इस पार एक पंडित आचमन करके सूर्य नमस्कार करता है तो उस पार एक मौलवी नमाज के लिए वजू अदा करता है। आप यहीं से हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। हिना मूवी की शूटिंग हुई थी क्या आपके गांव में सर? हाँ, हिना मूवी सोलांग वैली में हुई ज्यादा करके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव पड़ता है। गांव का नाम है कोठी। मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड लगा हुआ है जो शायद विश्राम गृह कोठी है, ऊपर है, यहाँ पे बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, 1991 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था हिना। अगर हम इस फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में नज़र आए थे ऋषि कपूर, जेवा बख्तियार और अश्वनी भावे। दोस्तों, जो जेवा बख्तियार हैं वो मूल रूप से पाकिस्तान की रहने वाली हैं, यानी पाकिस्तानी अभिनेत्री हैं। तो उन्होंने इस फिल्म में हिना का किरदार किया था। तो गांव काफ़ी खूबसूरत है, गांव में मतलब एप्पल के गार्डन भी हैं और बहुत ही खूबसूरत गाँव है। तो एक बार गाँव दिखाते हैं। अभी हम उधर से निकलते हुए और गार्डन के अंदर आ गए हैं। यहाँ से आपको सेब दिखाते हैं। ओ वाह, कितना खूबसूरत है, देखो। ओ भाई, गड्ढे में चला गया मेरा पैर, ये देखो। वाह, कितने खूबसूरत हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर के एप्पल हैं, मस्त भाई साहब। आगे देखो उन पेड़ों पे वहाँ लगे हुए हैं। भाई साहब देख के रखना, नीचे पैर घुस जाता है, इन्होंने गड्ढे से कर रखे हैं। वाह, ये देखो रेड कलर के एप्पल है ना, मस्त। कभी पेड़ से तोड़ के खाया एप्पल? हम आज तोड़ते हैं, ये तोड़ लिया। पहली बार पेड़ से तोड़ के एप्पल खा रहा है। इस गांव के अंदर आप पैरा ग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है, काउंटर नंबर 65, यहीं से मतलब होता है। और अभी क्या है, मतलब शाम का टाइम हो गया, अगर आप 12 बजे तक आते हैं तो यहीं पे बुकिंग करा सकते हैं। जी, आप यहीं से हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। हिना मूवी की शूटिंग हुई थी क्या आपके गांव में सर? हाँ, हिना मूवी सोलांग वैली में हुई ज्यादा करके। सोलांग वैली में? हाँ। अच्छा, हिना का गांव जो बताया गया था, बता रहे थे कोठी गांव था। हाँ, कोठी में भी यहाँ भी हुई है ना, लेकिन वो जो सोलांग वैली है मेन, वहीं पे शूटिंग हुई ज्यादा करके। यहाँ पे कहाँ शूटिंग हुई थी कुछ मालूम है? यहाँ पे तो इधर हुई है, आगे ये जो होटल है ऊपर हुई है। यहाँ उन्होंने कोई सेट लगाया था या ऐसे ही होटल होटल का सीन लिया था? नहीं नहीं, सेट लगाने पड़ते ना यहाँ। अच्छा। तो हम लोगों ने इस फिल्म की जो लोकेशन है गूगल पे सर्च की तो वहाँ हमें बताया गया कि कोठी विलेज जो है ना मनाली से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, वहाँ पे हिना का गांव दिखाया गया था हिना फिल्म के अंदर। तो यहाँ पे हम आए, यहाँ के गांव वालों से हमने पूछा, अभी जैसे अंकल ने हमें बताया कि यहाँ पे एक आध सीन लिया गया होगा, लेकिन उस फिल्म के सबसे ज़्यादा सीन सोलांग वैली में लिए गए हैं। सोलांग वैली यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है और एक शूटिंग प्लेस है और टूरिस्ट प्लेस भी है। तो चलते हैं यहाँ से सोलांग वैली। हालांकि ये जो गांव है ना कोठी, ये काफ़ी खूबसूरत गांव है और यहाँ पे एप्पल के बहुत सारे गार्डन हैं और गांव भी बहुत अच्छा है। अगर आप मनाली आ रहे हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं गांव देखने के लिए और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। अभी हम पलछान में हैं और ये रोड इधर मनाली को गया है ना, ये रोड इधर मनाली की साइड ये रोड गया हुआ है और ऊपर इधर रोहतांग पास है।
इधर से हम अभी आए हैं और जो कोठी गांव हमने दिखाया था वो भी आगे इसी रास्ते पर पड़ता है। और अभी हमें इधर चलना है, सामने आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है सोलांग वैली, उधर जाना है। 3 किलोमीटर है यहाँ से। अभी मैं सोलांग वैली पहुंच चुका हूं। पीछे मेरे ये जो आप देख रहे हैं ना छोटा सा मैदान, इसी मैदान के अंदर बता रहे थे कि जो हेना फिल्म का सेट था वो इसी मैदान के अंदर लगाया गया था। तो देखते हैं सीन यहां से मैच करने की कोशिश करते हैं, हालांकि काफ़ी समय हो गया। और पहाड़ों की एक बात है कि जैसे ये रोड वोड है ना, ये तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं और बहुत जल्दी ही बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश होती रहती है। तो बारिश में फिर पता है क्या कि ये पहाड़ खिसकते रहते हैं, गिरते रहते हैं, तो यहाँ पर चेंज होता रहता है। तो जैसे लोगों ने हमें बताया था कि सोलांग वैली में इसकी शूटिंग हुई थी, देखते हैं अभी सोलांग वैली आपको दिखाते हैं और कोई सीन अगर मैच होगा तो वो भी आपको दिखाएं। और सामने जो गाड़ी खड़ी है ना, इन गाड़ियों के साथ आप एक्टिविटी कर सकते हैं। और ये सामने छोटा सा मैदान है जिसको बताते हैं कि ये शूटिंग पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। और हेना फिल्म के अंदर इसी, मतलब ये जो छोटा सा मैदान है ना, इसी के अंदर सेट लगाया गया था। सामने रोपवे है, रोपवे से आप ऊपर जा सकते हैं, ऊपर कैफ़े है जहाँ पे आप चाय वगैरह या जो भी कुछ खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। चलिए दिखाते हैं। अभी मैं मैदान के बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे तो वहाँ पे एक पीछे पहाड़ है जिसके ऊपर अभी थोड़ी सी बर्फ़ है। और फिल्म के अंदर एक आध सीन ऐसे लिए गए हैं जिसके पीछे जो पहाड़ था ना उस पर बर्फ़ दिखाई गई है और हमें वो पहाड़ लग भी रहा है। तो देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे से दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। फिल्म के अंदर शायद एक सीन यहाँ से लिया गया है, क्योंकि वो वाला जो पहाड़ है ना वो उसी शेप में देख रहे होंगे आप, ऐसे मुड़ा हुआ है। और पीछे वाला ये जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ पर उस टाइम पर बर्फ़ थी। यहाँ पर देखो ये पहाड़ है पूरा, अब टूट सा चुका है। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा ना आपको, टूट रहा है। यहाँ पर ये पूरा पहाड़ था उस टाइम पर, क्योंकि फिल्म की शूटिंग हुए काफ़ी समय हो गया है। हिना के पिता रहते हैं ना, वो खड़े रहते हैं यहाँ पे, और जो ऋषि कपूर का इलाज करती हैं वो लोग यहाँ पे बात करते रहते हैं। पीछे उनके घर दिखाए गए थे। दोस्तों सीन दिखाने के चक्कर में मैं काफ़ी ऊपर तक आया। यहाँ पीछे पहाड़ है, अभी नहीं दिख रहा, पूरा फॉग हो गया, वरना वहाँ पर बर्फ़ दिख रही थी। अभी क्या कर सकते हैं, मौसम ही ख़राब है। नज़ारे यहाँ के काफ़ी खूबसूरत हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाले जो पहाड़ है ना वहाँ पे कई सीन लिए गए हैं, क्योंकि रास्ते वाले जो सीन हैं वो हो सकता है आगे से वही रास्ता दिखाएगा वो, क्योंकि पहाड़ सेम वैसे ही हैं लेकिन रास्ता तो अभी सही है। देखते हैं। दोस्तों हेना फिल्म के अंदर जिस नदी को दिखाया जाता है ना, जिसमें ऋषि कपूर बह के आते हैं, वो इसी नदी को दिखाया गया है। ये ब्यास नदी है जिसमें इसी टाइप के पत्थर भी दिखते हैं। हालांकि वो सीन कहाँ से उन्होंने लिए हैं ये यार कोई बता ही नहीं पा रहा। यहाँ हमने कई लोगों से पूछा, एक लोग तो कह रहे थे कि यहाँ पे भी फिल्म के सीन फिल्माए गए हैं, जहाँ पे ऋषि कपूर मतलब बह के आते हैं ना, तो जो हिना होती है वो पानी भरने के लिए आती है ना यहाँ, तो उनको देख के चीखती हैं, कह रहे वो वाले सीन यहीं पे लिए गए हैं। पर हाँ ये तो कंफर्म है कि वो वाले सीन इसी नदी में कहीं ना कहीं पे फिल्माए गए होंगे, क्योंकि पत्थर भी सेम वैसे ही पड़े हुए हैं। आगे की तरफ ये नदी गई हुई है और जहाँ पे लोकेशन है ना फिल्म की बताई गई है उसके नज़दीक में ये ब्यास नदी बहती है। दोस्तों अभी शाम के 6:15 हुई हैं
और हिना फिल्म की जितनी भी शूटिंग लोकेशन थी, यानी जहाँ जहाँ हमें बताया गया था कि यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हुई है, हम सारी जगह गए थे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।